नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। कोरोना की तीसरी लहर के बाद पहली बार हुई नीतीश कैबिनेट की फिजिकल बैठक। 5 एजेंडों पर लगी मुहर। बगहा में विशेष सशस्त्र पुलिस बल की महिला बटालियन के लिए बनेगा भवन। बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार के विशेष राज्य के मुद्दे पर सीएम नीतीश पॉलिटिकल बार्गेनिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं। झारखंड में गहराता जा रहा है भाषा विवाद। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की तल्ख बयानबाजी। बीजेपी ने लगाया सरकार पर सियासत का आरोप। आजसू ने सीएम से मांगा जवाब। गोपालगंज में खनन और भूतत्व मंत्री जनक राम ने बजट को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बजट सभी वर्गों के लिए लाभदायक। श्रमिकों को अब विदेश कमाने के लिए भेजेगी बिहार सरकार। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने की घोषणा। समुद्र पार होगा योजना का नाम। श्रमिकों के हित की रक्षा करेगी बिहार सरकार। राहुल गांधी से मिले झारखंड कांग्रेस के विधायक और कोऑर्डिनेशन समिति के सदस्य। संगठन को मजबूत करने के लिए दिए जरूरी सुझाव। राहुल गांधी ने सभी मुद्दों पर विचार का दिया भरोसा। बेगूसराय में एआईएसएफ के छात्र छात्राओं ने महिला कॉलेज के गेट पर किया विरोध प्रदर्शन। पटना में बालिका गृह कांड को लेकर प्रदर्शन किया। रांची के 279 फुटपाथ दुकानदारों को मिली नई जगह। पिछले 11 दिन से कर रहे थे प्रदर्शन। नगर निगम ने कहा जल्द तैयार होगा वेंडर मार्केट। गरेडी में साइकिल चोरी के आरोप में आदिवासी युवक की पिटाई के बाद बवाल। कोचिंग संचालक की साइकिल चुराने का आरोप। लोगों ने कोचिंग सेंटर में जमकर किया हंगामा। कांग्रेस की सरकार से कर्नाटक हिजाब विवाद पर सदन में बयान देने की मांग। बीजेपी बोली क्या इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी। यूपी में पहले चरण के लिए चुनावी शोर थमा। 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों पर होना है चुनाव। पहले चरण के लिए 10 फरवरी को होगा मतदान। यूपी चुनाव के पहले चरण में सबसे बड़ा दांव पश्चिमी यूपी के जाट पर। पश्चिमी यूपी से पहले चरण के लिए 623 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। मुजफ्फरनगर और मथुरा में सबसे ज्यादा 15-15 उम्मीदवार। यूपी के लिए आज प्रियंका गांधी जारी करेंगे घोषणा पत्र। दोपहर करीब 12:30 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को लेकर खास फोकस रहेगा। प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती है। आगरा के खेरागढ़ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का रोड शो। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए की वोट की अपील। चुनाव से पहले एसपी को झटका। श्रावस्ती से एसपी नेता और पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद ने थामा कांग्रेस का दामन। सीएम योगी आज करेंगे ताबड़तोड़ रैली। सीएम योगी यूपी के बरेली रामपुर और मुरादाबाद में करेंगे जनसभा। सीएम योगी सबसे पहले बरेली का करेंगे दौरा। बरेली में जनसभा को करेंगे संबोधित। जेवर में सीएम योगी ने विरोधियों पर बोला हमला। कहा 2017 से पहले किसी की बेटी सुरक्षित नहीं थी लेकिन अब सबकी बेटी सुरक्षित है। पहले कर्फ्यू और पलायन होता था अब पलायन नहीं होता है। सीएम योगी ने कहा ये वही क्षेत्र है जहां पहले कानून व्यवस्था नहीं थी। अब मुंबई में यहां फिल्म सिटी शिफ्ट हो रही है। अमरोहा में सीएम योगी ने एसपी पर साधा निशाना। कहा 2012 से 17 के बीच यूपी में दंगे हुए व्यापारियों का पलायन हुआ। अमरोहा में सीएम योगी ने कहा पहले पैसा इतर वाले मित्र के पास चला जाता था। आज बुलडोजर चल रहा है। लोच की गड्ढियां निकलती है उसी से गरीबों के मकान बनाए जा रहे हैं। यूपी के बागपत में बीजेपी उम्मीदवार के काफिले पर हमला। बीजेपी उम्मीदवार सहनर सिंह पर रोड शो के दौरान गोबर फेंका गया। बागपत में बीजेपी नेता के काफिले में शामिल गाड़ी पर ईंट से भी किया गया हमला। बीजेपी समर्थकों की लाठी डंडों से 20 सड़क पर पिटाई। यूपी में मतदान से ठीक पहले गिरफ्तार आतंकी तौहीद अहमद शाह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया आतंकी। आतंकी तौहीद को रिमांड पर लेकर की जाएगी पूछताछ। जम्मू कश्मीर का रहने वाला आतंकी तौहीद लखनऊ में बड़ा आतंकी साजिश रच रहा था। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पीएम मोदी और सीएम योगी को अवतारी पुरुष बताया। कहा मोदी योगी अवतारी पुरुष राष्ट्र रक्षा के लिए आए। कानपुर देहात में बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने किया डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। मंदिर में किए दर्शन। कानपुर देहात में प्रचार के दौरान बोली अपर्णा यादव पार्टी जो जिम्मेदारी दे रही है उसका निर्वहन कर रही है। अपर्णा यादव ने कहा यूपी के विकास के लिए बीजेपी जरूरी है। घर की कोई पार्टी नहीं होती है, पार्टी राष्ट्र की होती है। पटना में साबुन के गोदाम में लगी आग करोड़ों का नुकसान। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। पटना में तेज रफ्तार ट्रक ने बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर। मौके पर हुई महिला की मौत। ड्राइवर ट्रक लेकर मौके से फरार। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर शव रख कर किया हंगामा। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने कार और बाइक में मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। 8 लोग गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती। जमुई में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार शख्स की मौत। घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक फरार।
मसौढ़ी में तारीगना रेल गुमटी के पास तेज रफ्तार वैन ने तोड़ी गुमटी फाटक। मौके पर मौजूद रेल पुलिस ने किया वैन चालक को गिरफ्तार। उदयपुर हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में दोनों लोगों की मौत। यूपी के नोएडा में एक दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के टोंक में टायर फटने से कार पलटी। हादसे में 5 लोग घायल। सिवान में बस ने 5 लोगों को कुचला। हादसे में 2 लोगों की मौत। 3 लोग घायल। हादसे के बाद बस चालक बस लेकर हुआ फरार। मैरवा थाना क्षेत्र के तितरा बंगरा गांव के पास की घटना। इंदौर में पुलिस ने होटल में हंगामा करने वाले बदमाशों की निकाली हेकड़ी। उठक बैठक लगवाकर बदमाशी नहीं करने की खिलाई कसम। ठंडी रोटी परोसे जाने के बाद चाकू लहरा कर किया था हंगामा। राजस्थान के सिरी डुंडरागढ़ नगर पालिका परिसर में निर्दलीय पार्षद के साथ मारपीट। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया था। पालिका की बजट मीटिंग में हुआ था हंगामा। यूपी के चंदौली में 2 पक्षों में जमकर हुआ पथराव। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गया में एंटी लीकर टास्क फोर्स पर शराब के बाद कारोबारियों ने किया हमला। माफियाओं के पत्थरबाजी से टीम वाहन के शीशे टूट गए। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। जमुई मुख्य मार्ग से शराब तस्कर गिरफ्तार। पिकअप वाहन से 1000 लीटर से ज्यादा अंग्रेजी शराब भी की गई जब्त। सहरसा में उत्पाद विभाग ने 253 लीटर देशी शराब, 509 लीटर विदेशी शराब की जब्त। कोजिन युक्त कफ सिरप को भी किया गया नष्ट। भागलपुर में देसी कट्टा के साथ 2 युवक गिरफ्तार। अपराधियों की घटना को अंजाम देने पहुंचे थे युवक। बघा में पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा। लूटकांड में शामिल 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सीएसपी संचालकों से हुई 11 लाख की लूट। विक्रम थाना के एनएच 140 में हुई बुजुर्ग की हत्या का मामला। फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रोहतास के एसडीपीओ रहे संजय कुमार के 2 ठिकानों पर छापेमारी। ईओ यूनी पटना और बक्सर में मारी रेट। अवैध बालू खनन मामले में पाए गए थे संलिप्त। जी बिहार झारखंड की खबर का असर। जंगली जानवरों से परेशान किसानों की खबर पर वन पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू का बयान। घूर परास नक्सल के जानवरों की तेजी से होगी नसबंदी। लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जेजेएमपी के 2 नक्सलियों को हथियार के साथ पकड़ा। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस लगातार चला रही है छापेमारी। बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। गिरोह के 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। रोहतास के एसडीपीओ रहे संजय कुमार के 2 ठिकानों पर छापेमारी। ईओयू ने पटना और बक्सर में मारी रेड। अवैध बालू खनन मामले में पाए गए थे संलिप्त। जोधपुर मेदिनी दहाड़े फैक्ट्री के बाहर खाली पिकअप की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। इंदौर में मैरिज गार्डन में चोरों ने 40 लाख के गहनों पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने फर्जी वीजा रैकेट का किया भंडाफोड़। 6 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 225 पासपोर्ट और नकली वीजा बरामद। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों ने मार गिरा एक आतंकी। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। गांदरबल में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फेंका ग्रेनेड। महाभारत में भीम की भूमिका निभाने वाले कलाकार प्रवीण कुमार सुबद्धी का निधन। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे प्रवीण कुमार सुबद्धी 74 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। उत्तरकाशी में बर्फबारी का लुत्फ उठाने पुणे से आई 8 बाइकर्स की टीम। स्थानीय लोगों को बर्फ के ऊपर बाइक चलाने की दी ट्रेनिंग। ओबीसी पर हमले का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। छिजारसी टोल पर फायरिंग के बाद की तस्वीर। 3 फरवरी को असुदीन ओबीसी की कार पर हुआ था हमला। ओबीसी पर हमला करने वाले आरोपी सचिन का कबूलनामा सामने आया। सचिन ने कहा कि 2014 में इनके भाई अकरुद्दीन ओबीसी ने एक बयान दिया था जिसे सुनकर मैं बहुत आहत हुआ। कटिहार में बेमौसम बारिश और कड़ाके की ठंड से फसल बर्बाद। मक्का आलू और दलहन की फसल पर सबसे ज्यादा असर। मुआवजे के लिए जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को भेजी लिस्ट। खूंटी के दुकानों में बिकने लगे हैं मिलावटी सामान। एक दुकान में मिला मिलावटी खोया। भागलपुर नवगछिया में युवक के साथ एक लड़की और उसके गिरोह ने वीडियो कॉल पर की अश्लील बात। फिर मांगने लगे पैसे। पीड़ित के पुलिस पदाधिकारी से की शिकायत। पटना के पुनपुन में पालकी कलश यात्रा निकाली गई। रास्ते में गाजे बाजे के साथ ग्रामीणों ने महादेव के जयकारे लगाए। भागलपुर के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में अभिभावकों की भीड़। बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए भीड़ लगे। मोतिहारी के एक निजी नर्सिंग होम में महिला ने दिया 1 साथ 4 बच्चों को जन्म। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ। लोहरदगा में उग्रवाद अपराध नियंत्रण को लेकर जांच अभियान तेज। विभिन्न चौक चौराहों पर मोटरसाइकिल, चारपहिया वाहन और भारी वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही है।
पूर्व सिंहपुर जिले में फोटो सिलारी एंट्री में संबंधित वोटर कार्ड में सुधार के लिए जिला चुनाव पदाधिकारी ने बैठक बुलाई, जिसमें जिले के सभी डीएलओ और सुपरवाइजर शामिल हुए। लातेहार में नक्सल प्रभावित इलाकों में संवाद कार्यक्रम के तहत उपायुक्त अबू इमरान छात्र छात्राओं से रूबरू हुए। लोहरदगा सदर अस्पताल में एक्सपायरी दवाएं मिलने के मामले में जांच तेज, जांच के लिए एक्सपायरी दवाओं का बायो वेस्ट मैनेजमेंट मेडी केयर भेजा गया। बोकारो में सेल की तरफ से वाटर सप्लाई प्लांट बनवाया जा रहा है, विस्थापितों ने वाटर सप्लाई प्लांट के काम को रोका और धरने पर बैठ गए। राजधानी पटना में हवा की गुणवत्ता नहीं सुधर रही, बारिश से मामूली बदलाव जरूरी दिखाई दे रहा लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स औसत से काफी खराब है। मसौरी में राशन कार्ड धारकों को जनवितरण प्रणाली के डीलर की मनमानी के चलते राशन नहीं मिल पा रहा, जिससे लाभुकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पलामू के चैनपुर के पूरब दिहा गांव में महिला अधिवक्ता और उनके पति के साथ की गई मारपीट, जमीन विवाद को लेकर की गई मारपीट, महिला अधिवक्ता और उनके पति हुए घायल। बेगूसराय में एक युवक ने घर में की फांसी लगाकर आत्महत्या, पारिवारिक विवाद के कारण की आत्महत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सासाराम के ऐतिहासिक शेरशाह सूरी परिसर के तालाब में युवती ने छलांग लगाकर की आत्महत्या की कोशिश, स्थानीय लोगों ने युवती की बचाई जान। धनबाद के पाथरडीह थाना क्षेत्र के सीआईएसएफ के जवान ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, पत्नी के साथ आए दिन होता था झगड़ा, तनाव के कारण की आत्महत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नवादा में बाइक सवार दो अज्ञात अपराधियों ने दंपति पर की फायरिंग, घटना में पति पत्नी दोनों गंभीर रूप से घायल। धनबाद में खड़ी कार में असामाजिक तत्व ने लगाई आग, कार पूरी तरह से जलकर खाक, स्थानीय लोगों में आक्रोश। हजारीबाग के बरही में हुई नाबालिग रूपेश कुमार पांडे की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज, 27 नामजद सहित कुल अज्ञात 100 लोगों को आरोपी बनाया गया। नोएडा पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा, साली से अवैध संबंधों के चलते पति ने की थी हत्या, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के शाहपुरा में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना आई सामने, फायरिंग के बाद इलाके में मची सनसनी, बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो अपराधी को किया गिरफ्तार, दो जिंदा कारतूस बरामद, अपराधी की बना रहे थे योजना। जौनपुर में बच्चों के साथ एक महिला ने कुएं में लगाई छलांग, मौके पर हुई मौत, महिला की मानसिक स्थिति ठीक न होने का दावा। उत्तराखंड के कक्ष में टोल मांगने पर हुआ विवाद, कार सवार युवक ने टोल कर्मियों पर किया तलवार से हमला, दो कर्मचारी घायल। दिल्ली में गैंगस्टर काला जठेरी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर में एक बदमाश गिरफ्तार। छुट्टी के स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का नहीं हो रहा है पालन, स्कूल में बच्चे मास्क का नहीं कर रहे उपयोग, विद्यार्थियों को मिड डे मील भी नहीं दिया जा रहा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे उत्तराखंड का दौरा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आज लॉन्च करेंगे बीजेपी का दृष्टि पत्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अल्मोड़ा में जनसभा को किया संबोधित, जनता से की बीजेपी को वोट देने की अपील, बोले सीएम धामी की सरकार ने किए हैं ऐतिहासिक काम। उत्तराखंड चुनाव प्रचार में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान वायरल, बोले पुष्कर सिंह धामी फ्लावर और फायर दोनों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कच्छा दौरा, बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर चुनाव प्रचार, बोले कांग्रेस करती एक समुदाय की तुष्टिकरण की राजनीति। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का खचिमा दौरा, जनसभाएं कर जनता से मांगा वोट, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए किया जनसंपर्क। चुनाव शुरू होने से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, नारायण शर्मा आर्य ने थामा बीजेपी का दामन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। आम आदमी पार्टी ने नेता राखी बिरला को गंगोत्री द्वारा, कर्नल अजय कोठियाल के लिए किया चुनाव प्रचार, बोली जनता ने बना लिया है सत्ता परिवर्तन का मन। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय का मसूरी द्वारा, जनता से की पार्टी को वोट देने की अपील, बोले हम 5 साल में राज्य का बजट करेंगे दोगुना। मतदान शुरू होने से पहले राज्य में पुलिस अलर्ट मोड पर, काशीपुर में बीएसएफ और पीएससी ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों को किया जागरूक। गोवा में राजनीतिक पर हाय, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे दौरा, पोंडा में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गोवा दौरा, मंडगांव में जनसभा को किया संबोधित, कहा हम बनाएंगे मनोहर पर्रिकर के सपनों का गोवा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।